हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन जायसवाल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ARP एजुकेशन पॉइंट में। तो कल की पिछली वीडियो में हमने जो दूसरा चैप्टर ईसी एंड ईसी एक्ट 2001 स्टार्ट किया था, उसका एक लेक्चर हमारा हो चुका है। आज उसी चैप्टर का हमारा दूसरा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है और इस लेक्चर के बाद हमारा क्या होगा, दूसरा चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो आज इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है स्टैंडर्ड एंड लेवलिंग, मतलब मानक और लेबलिंग क्या है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर ये है क्या, क्यों इसका इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देख सकते हैं कि हमने ये पहला हेडिंग ले ही चुका है कि मानक तथा लेबलिंग, स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग। तो देखिए आखिर ये होता क्या है कि हम देखते हैं आजकल जो भी हमारे घरेलू उपकरण आते हैं तो उसमें रेटिंग की सिस्टम होती है। रेटिंग का सिस्टम क्या, मतलब आपको हम चित्र के माध्यम से दिखाएंगे, उसके बाद आपको बताने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं कुछ हमारा ऐसा कहेंगे तो स्टिकर चिपका होता है उपकरण पर या ऐसा हमारा बना होता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि 3 स्टार दिया गया है। तो इन स्टार का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इस स्टार रेटिंग देने का मतलब, ये आपको हम लिखित माध्यम से समझाने वाले हैं। तो आप रेटिंग का मतलब समझ गए होंगे। तो जो भी स्टैंडर्ड एंड लेवलिंग है वो क्या है, हमारा सभी उपकरण को, मतलब जो घरेलू उपकरण है जो कि ऊर्जा को कंज्यूम कर रहे हैं, उनके लिए एक मानक तैयार किया गया है, उनके लिए एक रेटिंग दिया गया है, एक चीज़ दिया गया है कि उनसे उनकी एनर्जी इफिशियंसी का पता चलेगा। एनर्जी इफिशियंसी का मतलब क्या है कि वह कितना ऊर्जा की बचत करता है, यही हमारी रेटिंग सिस्टम है, इसी को ही हम बोलते हैं स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग। तो जैसा कि आप लिखा हुआ है यहाँ देख सकते हैं कि मानक तथा लेबलिंग के लिए BEEE द्वारा स्टार रेटिंग योजना 2006 को लागू किया गया। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो भी हमारा स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग की जो भी हमारी योजना लागू हुई वो 2006 में लागू हुई और इसको लागू करने वाला कौन था, BEEE संस्था, जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। अब देखिए यह योजना हमारा तो लागू हो गया, क्या यह सभी उपकरणों पर लागू हो, तो ऐसा नहीं, जो हमारे घरेलू उपकरण है, मैक्सिमम जो भी हमारे घरेलू उपकरण हैं उन्हीं पर ये लागू हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं AC, पंखा, TV, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, ट्रांसफार्मर, मोटर, वॉशिंग मशीन, जनरेटर सेट, वाटर पंप, वाटर हीटर इत्यादि, इन्हीं पर हमारा रेटिंग सिस्टम क्या होता है, लागू होता है और इन्हीं के लिए क्या गया, मानक तथा लेबलिंग बनाए गए हैं। इसके आगे आप देख सकते हैं लिखा है स्टार रेटिंग का मतलब, इसके आगे आप देख सकते हैं कि स्टार रेटिंग का मतलब किसी उपकरण की ऊर्जा दक्षता से है। तो कहने का मतलब है कि स्टार रेटिंग देने का हमारा क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है, तो इसका जो हमारा एक ही उद्देश्य है कि एनर्जी इफिशियंसी। एनर्जी इफिशियंसी का मतलब कि कोई भी उपकरण किसी भी कार्य करने में कितना कम ऊर्जा को खपत करता है, मतलब वह कितना ऊर्जा की बचत करता है। जैसे पहले के हम देखते थे कि हमारा जो भी रेफ्रिजरेटर आता था वो बहुत ज़्यादा वाट का था, 200 वाट का, तो इसलिए जो भी उसको चलाने के लिए हमारी ऊर्जा खर्च होती थी वो क्या होती थी, अधिक होती थी। लेकिन अब हम देख क्या रहे हैं कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर है 5 स्टार 4 स्टार ये हमारे आने लगे हैं, तो इनसे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो भी रेफ्रिजरेटर या जो भी उपकरण है वो क्या है, कम वाट का है, और कम वाट का है तो हमारी एनर्जी का जो कंज्यूम करेगा कम करेगा। इसका मतलब क्या आ रहा है, यह कूलिंग के लिए या जो भी इसका कार्य है इसके लिए क्या है, न्यूनतम ऊर्जा को खर्च कर रहा है और ऊर्जा की क्या कर रहा है, बचत कर रहा है, यही हमारा इसका मतलब है। और स्टार रेटिंग कैसे प्रदर्शित कर दिया जाते हैं, तो ये स्टार रेटिंग जो है 5 बिंदु का एक पैमाना है, मतलब 5 पॉइंट रहते हैं, मतलब जो भी हमारी रेटिंग दी जाती है 5 होती है, इससे अधिक हमारी रेटिंग नहीं होती है, ये मैक्सिमम है, चाहे आप जिस चीज़ का भी देख लें। फिर अब जान लेते हैं कि रेटिंग का मतलब क्या होता है। तो रेटिंग का मतलब देने का उद्देश्य क्या है, हमने बता दिया कि ऊर्जा का बचत करना, लेकिन अब इसका मतलब क्या है। अगर जैसे हमारे पास कोई वॉशिंग मशीन है, अगर उस वॉशिंग मशीन पर हमारे 5 रेटिंग है तो हम कहेंगे भाई ये वॉशिंग जो मशीन है ये काफ़ी कम ऊर्जा उपयोग करती है कपड़े धोने के लिए, लेकिन वही हमारी 2 रेटिंग या 3 रेटिंग रहेगी तो हम क्या कहेंगे, ये ज़्यादा ऊर्जा खत्म कर, ज़्यादा बिजली खर्च करेगी। तो यही हमारा रेटिंग का मतलब है, कहने का मतलब कि यदि हमारी रेटिंग अधिक है तो ऊर्जा की बचत अधिक होगी, और रेटिंग हमारी कम है तो ऊर्जा की बचत क्या होगी, कम होगी। इसके आगे देख सकते हैं
कि बीई के द्वारा स्टार रेटिंग उन उपकरणों को दी जाती है जो घरों में अधिक ऊर्जा खपत करते हैं। तो देखो जो हमारा बीई संस्थान है वह उन्हीं उपकरणों को के लिए स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग का पैमाना देती है जो कि अधिकतर घरेलू यूज के लिए, ऐसा नहीं कि आप कोई फैक्ट्री में कोई मशीन है उसके लिए रेटिंग की प्रणाली लगा दें, ऐसा नहीं, मैक्सिमम यह घरेलू उपयोग के लिए ये बनाई जाती है। और क्योंकि इसमें फालतू ऊर्जा खर्च न हो इसीलिए ऐसी बनाई जाती है। फिर इसके आगे देख सकते हैं 1 जनवरी 2018 से भारत में बनने वाले व बिकने वाले एसी के लिए नई स्टार रेटिंग प्रणाली की शुरुआत की गई। तो देखिए हुआ क्या कि जो हमारा एसी था तो जब 2018 से पहले हमारा जो एसी था बहुत कम लोगों के पास था, लेकिन वो क्या करता था, कूलिंग के लिए मतलब ठंडा करने के लिए रूम को या जो भी चीज़ है तो क्या करता था, वो अत्यधिक ऊर्जा को खपत करता था जो कि हमारा ऊर्जा का बहुत ही ज़्यादा बर्बादी होती थी। तो सन 2018 में जो बीई संस्थान थी उन्होंने एक नियम लाया कि क्या होगा कि हमारा अगर एसी के लिए इससे रेटिंग कम होगा तो वो एसी मार्केट में नहीं बिकेगा, वो एसी को कोई खरीदेगा नहीं। तो क्या किया उसने, जो बीई संस्थान था वो क्या किया, 1 जनवरी 2018 को रेटिंग की एक नई प्रणाली स्टार्ट की। और इसको बोले हम क्या कि जो भी रेटिंग प्रणाली थी उसको हम बोले भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्ष अनुपात, उसको हम इस प्रणाली को स्टार रेटिंग की इस प्रणाली को हम क्या बोले, मौसमी ऊर्जा दक्ष अनुपात, भारतीय मौसमी दक्ष ऊर्जा अनुपात। अब ये हमारा क्या बताता है, यह जो हमारा एक प्रणाली है वो केवल एसी के लिए है और ये क्या करता है, कूलिंग के लिए ऊर्जा दक्षता को बताता है, मतलब कूलिंग के लिए एनर्जी एफिशिएंसी की, मतलब कि एनर्जी को कितना यह जो बचत कर सकता है। फिर इसके आगे देख सकते हैं कि भारतीय ऊर्जा दक्षता अनुपात ISWER के अनुसार एसी का स्टार रेटिंग 3.1 से कम नहीं चाहिए। तो देखिए जो भी हमारा जो भी निकला कि मौसमी या भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्ष अनुपात है वो ISWER कम संस्था है, यह भी हमारी क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन या एनर्जी एक्ट की तहत एक हमारी संस्थान है। तो इसके अनुसार क्या कहा गया कि यदि कोई भी एसी सन 2018 के बाद जिसकी रेटिंग 3.1 से कम है वह मार्केट में बिक नहीं सकता, उसको कोई खरीद नहीं सकता, मतलब एक तरह से यह 3.1 से कम रेटिंग वाली एसी हमारी पूरी तरह से बैन है, इसके उपयोग पर हमारी सख्त मनाही है। तो इस तरह से हम जान चुके हैं कि हमारे स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग क्या है, क्या इसका उद्देश्य है, इसका हमारा मतलब क्या है, तो हमने ये सब जान लिया। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।